दीपक राय जी, जी कल मैंने एक बात और कही थी कार्यक्रम में। मैंने कहा आपका पड़ोसी राज्य है, या यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में से जन्मा उत्तराखंड है, एक बड़ा राज्य और पड़ोसी राज्य, उससे आपको सीखने की भी आवश्यकता है। उसके मुखिया देवभूमि में ही पैदा हुए, उसी कण में उन्होंने जितने भी देव स्थल हैं या जितने भी धार्मिक स्थल हैं, नवीन ठाकुर जी, वहाँ से 8 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नशे की दुकान, सरकारी भांग ठेका हो या शराब की दुकान हो, कोई भी खुलेगी नहीं। काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, मथुरा चले जाओ, या कहीं भी जहाँ जहाँ तीर्थस्थल है, अब बताइए। और हम यहाँ पर पर्यटकों को लुभाने के लिए 24 घंटे आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ कभी भी पियो। दीपक राय जी, जी देखिए आपने सही कहा, देखिए यूपी से उसको सीखना चाहिए था। और मंत्री जी ये बोलते हैं कि राजस्व की बढ़ोतरी होगी, राजस्व की बढ़ोतरी इससे नहीं हो सकती, फिर तो आप हर गलत से ओपन करिए तो राजस्व अधिक आएगा। आप देखिए और चीजों पे आप ध्यान दीजिए, चार धाम का जो प्रोजेक्ट है, ऐसे के बजट और भी लाए कि जहाँ पे तीर्थयात्री आवे और सरकार को राजस्व प्राप्ति हो। इस तरह की गलत मतलब एक नेगेटिव कदम से जो है वो बहुत दुखद है। इस तरह की सरकार अगर कार्रवाई करती, चाहे कदम उठाती कि आप 24 घंटे दुकान खोलिए शराब की, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से आप जो हमारा मीडिया का जो वो है एक चौथा स्तंभ है, वो हिंदी खबर ने उसका दम नहीं पाया और उसकी खबर को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री जी ने वापस लिया, इसका भी स्वागत हो रहा है। लेकिन दुखद इस बात के देखिए स्वागत आप किस बात, गलत कदम को फिर आप एक बार ऐसा नहीं कह सकते कि अधिकारी केवल डिसीजन लिए है, मंत्री जी का भी तो इसमें वो है, इनके ही वो है। तो आप ये इस तरह की जो अगर प्रपोजल भी आते हैं तो कैसे उस पर विचार किया जाता है, ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक है।